अल्लाह की रहमत और फजल आज के दिन तक अल्लाह ताला की मखलूक और मेरे पालिया बुजुर्गों की मोहब्बत मैं उन्होंने हर मास से शिकस्त दी और चाहे जनरल इलेक्शन क्यों ना हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन क्यों ना हो तो पता है कि 2018 जिहड़े लोग इस नलायक और नाहिल इमरान खान लेके आए थे उन्होंने इस कारकुन और इस फकीर का रस्ता रोकन मनु सियासत चु कटन वास्ते अपनी केड़ी चोटी का जोर लाया तुहानू याद होगा कि ठूठा रहे बहादुर मैं जलसा कर रहा थी तारीख जैसा के वाकयात नहीं आएंगे मैं ठूठा रहे बहादुर जलसा कर रहा थी तो दर्जना के सामने पुलिस की गड्डिया ने उस जलसे का मुआसरा किया मैं निकल गया मेरे साथी निकल गए मेरिया गड्डिया 10 दिन उन्होंने उसे ब्लॉक रखिया कंप्लेन का रस्ता रोकया मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन तो वापसी जेल गिरफ्तारी देने का फैसला किया तो मैं आज भी फखर है कि मेरे साथी मेरे बुजुर्गों ने भरपूर मुहब्बत का साथ दिता और मैं जीडी रोड तक लड़ता गया अल्लाह ताला के फजल व करम नाल तेरी रजा मेरी रजा आबद रजा आबद रजा तेरी रजा मेरी रजा आबद रजा मैं अल्लाह ताला के फजल व करम नाल अंदरून बैरून सारी साजिशों का मुकाबला करता रहा 18 का इलेक्शन एड़ी चोटी का जोर लाने के बावजूद भी कैंडीडेटा की तकसीम करके भी मुस्लिम लीग के कैंडीडेटा तोड़ के मेरे मुकाबले चेयरमैन ने खड़ा किया सारे हरबे लगाए लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम नाल मेरे बुजुर्गों की दुआवां ने मनु 2018 भी अल्लाह ताला के फजल करम नाल कामयाबी दी मेरे बुजुर्गों आज भी मेरा यकीन है रोज तुम देखते ही हो कि पिछले 2-2.5 साल सड़कों के तमाशा और कहें जी कहें कि मेरे वजाद को अभी लंघन नहीं जाते तो रोकन मैं क्या पुत्र हूँ सियासत शुरू हो गई है सियासत खत्म कर दे तो सवेरे लंघे तो मेरा कोई लगे सियासत खिदमत का ना है सियासत तमीर और तरक्की का ना है सियासत लड़ाई का ना है जो मैं उन्हें कहा था कि असं तेन इलेक्शन नहीं लड़न देना तो उदू मैं उन्होंने दसा थी कि इलेक्शन इंज लड़ी दे तो मैं भी कहा कि कोटले लंघ जाना कि अल्लाह के फजल जो जो मालक का मैं पुत्र है सियासत छड़ देंगा तो लंघिया कोई नहीं जी कोई अज भी दस दें अल्लाह के फजल करम खून भी उही लगन च आबद रजा भी हो अगर मैं यकीन जेन बना लिया तो सारे जमाने के बदमाश लैके आ जाना जो मैं लंघन दिता तो मैं हूं भी अपने बाप का पुत हूं नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गो सियासत खिदमत का ना है सियासत तमीर और तरक्की का ना है थानेदार गड्डिया अगे पिछे ला के सियासत नहीं होंगी हुटर मार के सियासत नहीं होंगी सियासत आवाम की खिदमत करके होंगी ताबेदारी करके होंगी असी ताबेदारी करनी अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह का इहसान है जो दोनों जमात मिल के जी डी रोड से आईया ने उन्हों की तादाद भी देख लेंगे इस घर की तादाद भी देख लें सारे जमाने की फोर्सा कट्ठिया तो आईया ने अल्लाह के फजलों करन नाल मेरा यकीन और ईमान है कि जिस दिन मैं महसूस करांगा कि मेरे और मेरे लोगों की मुहब्बत कमी आ गई है या मैं खिदमत दे या मेरे पाई जाए कार हम खिदमत करने के काबल नहीं रहा उस दिन अल्लाह के फजल इलेक्शन नहीं लड़ांगा सियासत छड़ जाऊंगा जिस दिन तक मैं अपनी मुहब्बत से और अपने लोगों की मुहब्बत से यकीन है तो मेरा यह भी यकीन है अल्लाह के फजल करम नाल यह 4 जमात होर मिल के भी आवन तो अल्लाह के फजल करम इस कारकुन नहीं हरा सकते मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों चंद गल्लां मैं
ऐसा करना चाहना जिद मैं समझना कि खास करके एक नौजवान तबका इमरान खान तो मुतासर है। मैं उस हवाले ना ये दो चार गल करना चाहना। याद रखो हर आदमी की हिस्ट्री होंगी है। मैं थोड़े तो पलिया बढ़े ना मुख्तलिफ इतवार ने इस घर के बचपन तो लैके जवानी और इतों तक मेरी पूरी जिंदगी थोड़े तो सामने आ जा कि मैं अपने घर के नाल खड़ा रहा लड़ाई रही है तो किस हद तक लड़िया जाहलीयत के अंदर भी असूल नहीं छड़े। अल्लाह ने सियासत दी है कि असूलों से समझौता नहीं किया। कोई यह नहीं कह सकता कि जो भी मालिक के मुड़िया ने किसी की जमीन पर कब्जा किया होने डिवेलपमेंट तरक्याती कमां दे डाका मारिया हो जो भी किया है अल्लाह ताला दे फजलों करन अपनी मेहनत मुशक्कत करके इस घर भी चलाया तो लोगों की खिदमत अपनी वसात के मुताबिक की है। मैं कोई आली शान माल नहीं बना सकिया। अज भी मेरा यकीन है डंगर दिन कुड़ा ने जिन्होंने पलस्तर करके मैं डेरा खोल के बैठे हाँ मेरा यकीन खिदमत पर है महला पर नहीं। और मेरा अज भी यकीन है कि खिदमत हमेशा जितती है हमेशा खिदमत फतह। इमरान ने 15 से 20 साल क्रिकेट खेडी होनी ये कोई शक नहीं कि क्रिकेट जो वर्ल्ड कप च एक स्टार आ उन्हें क्रिकेट छड़न के बाद क्रिकेट वास्ते भी किया वे उन्हें अपनी जिंदगी सर्वाइवल कराने वास्ते शौकत खानम का दी बुनियाद रखने का फायदार की। तमाम सियासी जमातों ने इमरान का कमाल नहीं अज भी कुछ समझाना चाहना। उस शौकत खानम के पलाव सियासी गवर्नमेंट ने दिता मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने दिता और सब तो पहला मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी खानदान की जकात और सरकार का चेक दिता तो सारी जमात पूरे दुनिया के सियासी लोगों ने उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया चंदा इकट्ठा होया नेमल यूनिवर्सिटी बन गई हॉस्पिटल बन गया। लेकिन इमरान ने सारी जिंदगी क्रिकेट को लैके हूं तक प्ले बॉय रहा। फिर तुम यदि सियासी जिंदगी देख लो जमायमा तो लैके रियाम खान तो लैके पीरनी तक जिन्हें नाव सत्ता बच्चों की मां भी नहीं छी भी कट के लैन दी मैं दसो क्यों की दे सकता है। मैं हैरान होना उन्हें क्रिकेट वास्ते कुछ नहीं किया। उन्हें पूरी जिंदगी अपनी जात प्रस्ती के अलावा कुछ नहीं किया। फिर 4 साल जिस तरह भी है तुम्हें भी पता कि 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान के ताकतवर हल्किया ने ताकत न मुस्लिम लीग को हरा के इमरान ने मुसलत किया। इमरान उसे कभी आवाम के वोटों का इकतदार च नहीं आया। 4 साल तमाम इदार ने कामयाब कराने वास्ते एड़ी चोटी का दौर लाया। अज महंगाई का कोई शक नहीं कि PDM की गवर्नमेंट ने रियासत बचाने वास्ते सियासत की कुर्बानी दी है। महंगाई ला कानूनी है जी सारे आडा ने अपनी झोली च पाया। लेकिन मेरा अज भी यकीन है कि जिस तरह 13 मुस्लिम लीग ने सारे चैलेंज अपनी झोली च पा के पाकिस्तान को अमन का जवारा महशत खड़ी की थी लोड शेडिंग ने अंधेरे खत्म किए। ऐसे तरह मेरा यकीन है कि अन करीब मुस्लिम लीग इंशाला दोबारा इकानमी बेहतर करेगी महंगाई के तूफान को खत्म करेगी और अल्लाह के फजलों करना पाकिस्तान को दोबारा तमीर और तरक्की के रास्ते से गामजन करेगी। 4 साल की इंतहाई नलायकी 17 में 18 जब असी उन्हें हुकूमत दी डॉलर 100 रुपए के तेल 80 रुपए के थले थी हर चीज कंट्रोल थी। उन्हें 4 साल पाकिस्तान की मिशन तबाह बर्बाद कर दिया। फिर हर गल के उत्ते झूठ हर गल के यू टर्न आखिरी तुम वाकया वजीराबाद वाला वेख लो अल्लाह ताला माफ फरमान। सियासत के अंदर मैं कहना कि कदे भी ताकत और गोली की गुंजाइश नहीं। सियासत लड़ाई का नाम ही नहीं सियासत खिदमत और तमीर तरक्की का नाम सच्चाई का नाम है। एक पंडली से पट्टी बन के कंटेनर चो निकलिया शौकत खान भी जो बाहर निकलिया तो दवा लत्त के पलस्तर तो कहने मेरी 4 गोलियां लगियां मतलब इस तू ज्यादा फिर भी मैं हैरान होना
तो फॉलोअर फिर भी लीडर मनते कहते कप्तान की है गल। मैं कहना हूं अक्सर कि साड़ी बदकिस्मती है कि अब भी सरदार ही जिंदा होंगे तो पंजाबियों का ही रोह ही है। देखो जो तो सरदार ने ही मरिया पंजाबी फिल्म बंद हो गई। जिहड़ा बंदा जिन्नियां बड़कां मारदा है उन्नी उहदी फॉलोइंग वध जांदी है। इहदे तों ज्यादा नलायक और नाहिल शख्स इखलाकी और माली करप्ट मैं कम से कम अपनी जिंदगी पाकिस्तान की सियासत नहीं देखा। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फरेबी, अज भी देख लो उहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने एक ही प्रॉब्लम है कि मनु क्यों कर दिया गया। हर हालत चुके वो वेट नहीं कर सकता, सियासत की इंतजार नहीं कर सकता, वो इंतजार तो अलावा जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपने बुजुर्ग नौजवानों को खास करके कहना चाहना खुदा रहा वो दो जमात इल्जाम तराशी के अलावा सियासत का कोई मैटर नहीं। चार साल दौर दसों ने 10 किलोमीटर मोटरवे बनाई है, कोई बड़े मनसूबे लिया, पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी बेहतर की हो, सवाए बदतमीजी का कल्चर इदारों को तबाही कमजोर कर दिता, इदारों की तबाही बर्बादी का जरिया बन गया और फिर सड़क से निकल के अपने आप को हीरो कहें, अपने आप को लीडर कहें। फिर भी अपने आप को हीरो कहें। मैं समझना कि खुदा रा अपनी इसलाह करनी चाहिए। जिस नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तामीर किया, जिन्हें मोटरवे के जाल बिछाए, जिन्हें इनू जुल्फकार अली भट्टो ने एटम की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने तकमील दी, या जिन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ा किया, जिन्हें लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, जिन्हें कराची तो लैके स्कर्दू तक गुरीला जंग खत्म किया। असी इमरान खान जैसे करप्ट आदमी के कहते असी नवाज शरीफ इल्जाम लाइए और कबूल करिए। मैं समझना कि मैं अपने यूरोप की वसन वाले भाइयों मावं भैन में कहांगा कि तमीज के इदारे सियासत करिए। इखलाक इखलास खिदमत है, जिस कार का जिस शख्स का सेवा बढ़ गया उन्हें अपने खानदान अपने मुल्क अपनी कौम को तमीर कर लिया। मैं समझना किसान इस मकरो फरेब तो निकल गए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करन नाल पंजाब के सब से वड्डे डाकू की भी सियासत का खात्मा होने लगा। अल्लाह के फजल करन पंजाब हुकूमत वापस साढ़े को आएगी, असी तमीर और तरक्की फिर उ शुरू करा इंशाअल्लाह। ऐसा स्कीम के जो बोर्ड लाते हैं तो इंशाअल्लाह इन्हों के बोर्ड लाने का वक्त जल्दी खत्म होने वाला। अल्लाह ताला के फजल करन नाल असी मिल के फिर इस इलाके गुजरात को अपने एरिए तामीर करांगे। असी अपना एरिया किया तो समझा कि असी मुल्क तामीर कर दिता। मैं इजाजत चाहवागा इंशाअल्लाह अंकली फिर फंक्शन आते रहेंगे, बड़ी डिटेल गल्ला होंगिया। मैं समझना कि उन्होंने हुकूमत है, असी भी देखिए तो अमन कितना बहाल करते हैं, पुलिस की साख कितनी बहाल करते हैं, वो इदारे की कितनी बेहतरी लैके आते हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी आबिद रजा कोटला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से ज्यादा माली और इखलाकी करप्ट आज तक नहीं देखा।